नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए श्रृंखला श्रेणी का एक प्रश्न लेकर आई हुई हूँ। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे दिया गया है 8, 5, 13, 18, 31, 49 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि इन सब में सीक्वेंस कैसे जा रहा है। क्या वर्ग के रूप में जा रहा है, प्लस के रूप में जा रहा है, माइनस के रूप में जा रहा है, इनटू के रूप में जा रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों में इन सब में डिफरेंस पता करते हैं। तो 8 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है 3 का डिफरेंस। उसके बाद 5 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस। उसके बाद 13 और 18 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर है 5 का डिफरेंस। उसके बाद 18 और 31 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर है 13 का डिफरेंस। उसके बाद 31 और 49 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर है 18 का डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए ये 8 जो है वो इधर ऐसे आ गया, 5 जो है वो इधर ऐसे आ गया, 13 जो है वो इधर ऐसे जा रहा है, फिर 18 ऐसे जा रहा है। मतलब इससे पहले यहाँ पे 3 था, यहाँ से ऐसे एक एक जो श्रेणी है वो आगे बढ़ रही है, मतलब प्लस हो रहा है 8 में से जब हम यहाँ से माइनस किए तो इतना आया है ना। उसके बाद यहाँ से जब हम इतना माइनस किए हैं तब इतना आया है, और उसी प्रकार हम आगे ऐसे करते गए हैं। तो जब आगे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये कैसे आएगा, 8 में से 3 जो है माइनस किए तो 5 आया। उसके बाद 8 और 5 13 हो गया, उसके बाद 13 और 5 18 हो गया, फिर 18 और 13 31 हो गया, फिर 31 और 18 49 हो गया। तो 31 जो है वो यहाँ पे आएगा, और उसका किसके साथ प्लस होगा, 49 के साथ। तो 49 के साथ हम 31 प्लस कर देते हैं, क्या आएगा, 9 10 का 0 हासिल है 1, उसके बाद 4 और 4 8, तो यहाँ पे आएगा कितना, 80। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा हमारा आंसर 80। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन नंबर सी 60 और ऑप्शन नंबर डी 90। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।